सामने आ रही है एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक को 8 घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज बुधवार सुबह 7:45 पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मुंबई कार्यालय पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब जब आसपास के लोग सोए हुए थे तो ईडी के कुछ अधिकारी CISF फोर्स के साथ नवाब मलिक के घर नूर मंजिल कुरला पहुंचे और उन्हें समन दिया और साथ चलने को कहा। बुधवार सुबह जब ईडी के अधिकारियों द्वारा नवाब मलिक को लेकर जाने की खबर फैली तो एनसीपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम ईडी दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में पहुंचने लगा। कार्यकर्ताओं ने वहां मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि मलिक से किस संबंध में पूछताछ की गई है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह से फोर्स लेकर किसी बड़े नेताओं को पूछताछ के लिए चलने को नहीं कहा जाता। उन पर डी कंपनी से कनेक्शन के आरोप लगते रहे हैं। बुधवार को 8 घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। अब मलिक की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार हड़कंप मच गया है। इससे पहले एनसीपी के ही वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी महीनों से ईडी की ही कस्टडी में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि अब अगला नंबर परिवहन मंत्री अनिल परब का है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है किरीट सोमैया का। अनिल देशमुख नंतर आता नवाब मलिक आणि तिसरा नंबर अनिल परब चा लागणार आहे। ठाकरे सरकार ने कितीही दादागिरी केली, माफियागिरी केली, तरी उद्धव ठाकरे यांच्या घोटाळेबाजांना आम्ही तोडणार नाही, महाराष्ट्राला घोटाळे मुक्त करणार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।